हेलो दोस्तों, नमस्कार। निशा मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में मटका पनीर। मटका पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मसाले तैयार कर लेंगे। हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें 6 से 7 कलियां लहसुन के डालेंगे, 2 मीडियम साइज की प्याज कट करके डालेंगे, 1 छोटा टमाटर, 4 से 5 काजू, 1 टुकड़ा अदरक का। इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए, इधर हमारा मटका गर्म हो चुका है। इसमें हमने 2-3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसको हाथ की सहायता से पूरे मटके में ऑयल को फैला दीजिए, इस तरह से हिलाते हुए। अपने देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें जीरा डालेंगे, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची। जीरा चटक गया है हमारा। अब इसमें हम देखिए बारीक कटी प्याज डालेंगे, हरी मिर्च। अब इसको कलछुल की सहायता से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हमें एक बारीक कटा शिमला मिर्च डालेंगे। इसमें हमने एक प्याज को कट कर लिया था, उसके बड़े बड़े पीसेस निकाल लिए थे, उसको भी डाल देंगे। ये हमारा लहसुन प्याज का जो पेस्ट था, लहसुन प्याज टमाटर का, उसको डाल देंगे। 3 से 4 मिनट तक इसमें हमें पेस्ट को पका लेंगे। देखिए, हमारा पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पनीर मसाला, 1 चम्मच देगी मिर्च। अब सारे मसालों को हम कलछुल की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अब 4 से 5 मिनट तक मसालों को पकाएंगे। मसाले पक चुके हैं। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे, 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, स्वादानुसार नमक। कलछुल की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे, आटे की लोई की मदद से इसे अच्छे से चिपका देंगे। अब हमें धीमी आंच पे इसको 20 मिनट तक अच्छे से पकाना है। देखिए, हमारी पनीर बनके रेडी हो गई। अब आप इसको रोटी या चावल से सर्व कर सकते हैं। होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।